नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत के हालात वैसे भी इसलिए खराब हैं क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी देश हैं, उनसे रिश्ते हमारे बिगड़ चुके हैं। मैं अभय दुबे जी के संग रोज शो करता हूँ, जाने वाले पत्रकार हैं, रोज ABP चैनल पर आप उनको सुनते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैंने आज बांग्लादेश के मुद्दे पर उनसे चर्चा करी। मैंने संजय राउत के उस बयान पर चर्चा करी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में भी हालात ठीक नहीं हैं, बेरोजगार लगातार गुस्से में हैं, नौजवान गुस्से में हैं, किसान गुस्से में हैं, और किसी भी शासक को सबक लेना चाहिए कि जो आंदोलन कर रहे होते हैं लोग, उनको परजीवी नहीं कहते, उनको आंदोलनजीवी नहीं कहते, उनको आतंकी नहीं कहते। तमाम इन मुद्दों पर बात करी। अभय जी का मानना था कि हम लोग, हमारे देश के शासक बड़े भाई की भूमिका में आ गए कि वो डांटेंगे किसी को, विनम्र नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी तो विनम्र रहे थे शुरुआत में, वो पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ जी को हैप्पी बर्थडे कहा था, फिर पता नहीं क्यों रिश्ते बिगड़ते चले गए। तो तमाम मुद्दे पे, देश के हालातों पे क्या क्या असर पड़ेगा बांग्लादेश का, बहुत ज्ञान वाली, आपको नॉलेज वाली जानकारी मिलेगी आज अभय जी की बात सुनने के लिए। हम अभय जी के पास चले, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और एक खुशखबरी आपसे। हमने जो 4PM म्यूजिक चैनल शुरू किया था उस पर पहला गाना बस अब कुछ ही दिनों में हम लोड करेंगे। पहला गाना से आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आपको 4PM का ये म्यूजिक का पहला गाना कैसा लगा। देश के अलग अलग लोग मुझे बड़ी बधाई दे रहे हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं पंकज त्रिपाठी जी, कालीन भैया मिर्जापुर का, उनका कालीन भैया डायलॉग पूरे देश में छाया हुआ है, पूरे दुनिया में छाया हुआ है। पंकज जी ने मेरे लिए जो शुभकामनाएं दी हैं वो मेरे लिए बड़ी अमूल्य है। सुनवाता हूँ पंकज जी ने क्या कहा 4PM म्यूजिक चैनल के लिए। नमस्ते, मैं पंकज, और गीत संगीत सुर लय ताल हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है, और ये संगीत हमारे मन को, व्यक्तित्व को बेहतरी की तरफ ले जाता है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे 4PM वाले संजय शर्मा जी अपना एक संगीत का चैनल लेके आ रहे हैं, 4PM म्यूजिक, तो बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं आपको संजय जी, और ये भी देश हित में काम कर रहे हैं आप, ताकि पूरे देश भर के नए टैलेंट को मौका मिले आपके 4PM म्यूजिक पे, और ये सुर ताल लय हम सबके जीवन में खुले और संगीत को बढ़ाए। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। तो ये पंकज जी की शुभकामनाएं थी, बहुत बहुत आभार। आप साइट पे देख रहे हैं 4PM म्यूजिक का लोगो, आज ही अपने यूट्यूब पे 4PM म्यूजिक डालिए, उसको सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं घट रही हैं, भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि लगातार पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल जैसा देश तक हमें आंखें दिखाने लगा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, और अब बांग्लादेश में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। भूटान पता नहीं कब रुख बदल दे, इसका डर लगा रहता है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, पूरे भारत में सिर्फ इस समय बांग्लादेश की चर्चा है क्योंकि बांग्लादेश का तख्ता पलट किसी भी रूप में भारत के लिए अच्छा नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सरकार हटा के अगर कुछ कट्टरपंथी लोग आ जाएं तो वो उस देश के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है, क्या भारत ने कुछ ज़्यादा ही निर्भरता बांग्लादेश से बढ़ाई? बांग्लादेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, उनके यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है या प्रति व्यक्ति खुशी का पैमाना, वो भारत से ज़्यादा अच्छा चल रहा था। क्या क्या गलतियाँ हो गई शेख हसीना से? क्या ये गलती बड़ी थी कि उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कह दिया, उल्टा उल्टा पुल्टा बोल दिया, और भारत पे इसका क्या परिणाम होगा? मैं विस्तार से आपसे समझना चाहता हूँ। संजय जी, पहली बात तो यह है कि आप, मुझे ताज्जुब है कि आपने ये कहा कि बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी और उसको हटाकर वहां पर एक फौजी सरकार आ रही है। भारत में और भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में और नरेंद्र मोदी के समर्थकों को छोड़कर कोई नहीं मानता था कि बांग्लादेश में कोई लोकतांत्रिक सरकार है। शेख हसीना ने जो पहला चुनाव जीता था, शायद 2009 में जब पहला चुनाव शेख हसीना ने जीता था, वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था जो उन्होंने जीता था। उसके बाद से लगातार बांग्लादेश में जो लोकतंत्र का ग्राफ है वो नीचे गिरता रहा। चुनाव होते रहे लेकिन उत्तरोत्तर चुनावों को शेख हसीना के जरिए विपक्ष मुक्त चुनाव के तो चुनाव में बदला गया,
और पिछला चुनाव जो हुआ था वो 100% विपक्ष मुक्त था, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया गया था और विपक्ष ने उसका बहिष्कार भी दिया था, एक तरह से बिना विपक्ष के लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे और उसमें शेख हसीना चुनाव जीती थी। तो अमेरिका तक ने कहा था कि इस चुनाव को हम निष्पक्ष चुनाव नहीं मानते और उन्होंने कहा जाता है कि शेख हसीना से कहा गया था, उन्होंने अमेरिका ने डेडलाइन दी थी कि 3 नवंबर तक आप संवैधानिक रूप से इस्तीफा दे दीजिए और दोबारा चुनाव की घोषणा कीजिए, वरना आपको सत्ता में सत्ता से न रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ये अमेरिका ने इसको चेतावनी दी थी, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है लेकिन अखबारों में और मीडिया में सब जगह ये प्रकाशित हो चुका था। अब एक ऐसी सरकार जो कि लोकतंत्र की आड़ में पूरी तरीके से 100% निरंकुश सरकार थी, नरेंद्र मोदी की भारत स्थित सरकार के लिए बहुत ही आकर्षक चीज थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं कि भारत में इस तरीके का हो कि विपक्ष मुक्त बन जाए, विपक्ष सामने रहा ही नहीं और वो दबादब एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, उन्होंने अभी कल के इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आप किसी भी बांग्लादेश के किसी साधारण नागरिक से पूछ लीजिए कि क्या चुनाव वास्तव में हुए थे बांग्लादेश में, तो हर व्यक्ति कहेगा कि बांग्लादेश में तो मुद्दतों चुनाव नहीं हुए। आमतौर पर बांग्लादेश वासियों की मान्यता है कि 10 या 15 साल से बांग्लादेश में कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। शेख हसीना बाकायदा एक लोकतांत्रिक पर्दे के पीछे एक निरंकुश शासक थी, उनकी उन्होंने सीक्रेट पुलिस, मिलिट्री और फौज इन सब का विपक्ष के दमन के लिए इस्तेमाल किया, जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई उसको उन्होंने जेल में डाला और उनकी सरकार झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुकी थी, हर चीज जनता को गलत बताई जाती थी, पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स बनाया जाता था और मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर्ड था, मीडिया की दम नहीं थी कि वो शेख हसीना की सरकार उनके प्रवक्ताओं द्वारा किए गए किसी भी वक्तव्य का खंडन कर सकें या उसका विकल्प पेश कर सकें, ये स्थिति थी। अब भारत की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में शेख हसीना की बहुत अच्छी, बहुत शानदार दोस्ती थी। इस दोस्ती के पीछे अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग इस दृष्टि से अखबारों को पढ़ते नहीं है, देखिए हिंदू में, बिजनेस लाइन में और बहुत सारी वेबसाइटों पर लगातार इस प्रकार के तथ्य पिछले दिनों प्रकाशित हो रहे थे कि किस तरीके से बांग्लादेश में गौतम अदाणी को बड़े बड़े ठेके प्राप्त हो रहे थे और वहां की कंपनियों को पीछे करके शेख हसीना और मोदी के बीच में जो मित्रता थी उसके जरिए वो सब चीजें प्राप्त हो रही थी और बांग्लादेश में इस फर्जी लोकतंत्र की स्थापना और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों का भी बहुत हाथ था, ये भी बातें लगातार मीडिया में आ रही थी। क्योंकि हम लोग उस तरह के मीडिया, जो वैकल्पिक मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया पर कम ध्यान देते। अब क्योंकि बांग्लादेश में ये, मैं खुद भी मानता हूँ बांग्लादेश में चूंकि ये घटना हो गई है इसलिए मैंने कल के बाद से रिसर्च शुरू की, तो मैंने पाया कि वैकल्पिक मीडिया इस तरह की खबरों, विश्लेषणों, तथ्यों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। मुझे अभी भी संदेह है कि भारत के मुख्य धार के मीडिया में ये बातें अभी भी आएंगी, क्योंकि ये बातें कहना उस तरीके से खतरे से खाली नहीं है। जिस बात को कहा जाता है बांग्लादेश का एक आर्थिक चमत्कार, इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है, ये सही है कि बांग्लादेश पिछले करीबन 12-13 साल से लगातार 7.7% की दर से उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। मुख्य तौर पर जो टेक्सटाइल होता है और सिले हुए वस्त्र होते हैं उसको, उस बांग्लादेश उसकी फैक्ट्री बन चुका था और सारी दुनिया में मेड इन बांग्लादेश के वस्त्र, यहाँ तक दिल्ली में भी अगर आप बहुत सारे रेडीमेड वस्त्रों की दुकानों पर जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें मेड इन बांग्लादेश मिलेंगी जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और हम सब लोग बड़े चाव से खरीद के उनको पहनते हैं। इससे बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो कर रही थी, लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक स्कैम चल रहे थे, बैंकों में बहुत बड़े बड़े स्कैम चल रहे थे और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, लोगों के अकाउंट में से रुपए निकाले जा रहे थे, बहुत सारा लोन का डिफॉल्ट बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में हो रहा था, गरीब और अमीर के बीच में जबरदस्त खाई बढ़ती जा रही थी और एक छोटे से देश में 1,80,00,000 नौजवान बेरोजगार थे। जो बगावत हुई है हसीना सरकार के खिलाफ वो बगावत यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की है, विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जो आमतौर पर जिनके माँ बाप
खाते पीते होते हैं उन लोगों ने बगावत की है, क्योंकि उस बगावत उनको लोगों लग रहा था कि हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार पाना उनकी महत्वाकांक्षा थी। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, वहां की जो प्रति व्यक्ति इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो 3 गुनी हो गई थी, और भारत को भी उसने पीछे छोड़ दिया था वृद्धि की दर में। ऐसे बांग्लादेश में कितना गुस्सा था लोगों के अंदर, इसका आप अंदाजा लगाइए। उन्हें केवल एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत थी। इस जंगल में से चिंगारी आग लगा देती है, उसी तरह जैसे ही शेख हसीना ने सन 71 का जो मुक्ति संघर्ष था बांग्लादेश का, उसमें भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके रिश्तेदारों और उनकी संतानों के लिए नौकरियों में आरक्षण घोषित किया, वैसे ही आग लग गई चारों तरफ। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और आप लोगों को नौकरियों में आरक्षण, और वो फिर आग इतनी जबरदस्त रूप से लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को निरस्त कर दिया। उसके बावजूद आंदोलन बंद नहीं हुआ और उस आंदोलन ने फिर लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन की शक्ल ले ली, क्योंकि असली समस्या डेफिसिट ऑफ डेमोक्रेसी था बांग्लादेश में। लोग पिछले 15 साल से लगातार निरंतर लोकतंत्र के नाम पर जो दमन हो रहा था, उस दमन से बिल्कुल आजिज आ चुके थे। यहाँ तक शेख हसीना ने आंदोलनकारियों के बारे में जनता से अपील की थी कि ये लोग रजाकार हैं। रजाकार वो थे जिन्होंने 71 में सुनता मुक्ति वाहिनी के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। रजाकारों ने, रजाकार हैं, इनको लोहे की रॉडों से पीटो, लोहे की छड़ों से पीटो, ये शेख हसीना ने लोगों से कहा था। अब आप देखिए क्या हुआ। एक ऐसी शासक जिसके बारे में माना जाता है, भारतीय मीडिया सब ऐसा मान के चलाता है, तो इस आंदोलन से निपट लेंगे, और यहां तक पहले पन्ने पर खबर भी नहीं छपती थी, आज पहले पन्ने पर खबर छपी है। कल के अखबारों को आप देखिए, आप मीडिया टीवी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, कल के अखबारों को देखिए, सब में 9वें और 10वें पेज पर खबर है कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस और मिलिट्री के फौज के दमन से 100 लोग मारे गए हैं। ये 100 लोग मारे जाने की खबर 10वें पृष्ठ पर मिलेगी आपको, पहले पन्ने पर खबर तक नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि शेख हसीना इस पूरे मसले से निपट लेंगी, ज्यादा कुछ उसमें होने वाला नहीं है, थोड़ी लोग हायतोबा मचाएंगे और उसके बाद फिर मामला इस तरह 15 साल से चल रहा है उसी तरीके से ठीक तरीके से चलता रहेगा। तो ये स्थिति थी। अब मेरे ख्याल से देश में जो एनडीए सरकार है उसकी भी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि केवल ग्रोथ के आंकड़े दिखाकर जबरदस्त बेरोजगारी और महंगाई के साथ में आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो भारत के शासकों को, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सबको ये संदेश मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप पड़ोसी देशों में अपनी जो आपकी जासूसी संस्थाएं हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप इनकी दम पर आप विदेश नीति को नहीं चला सकते। आज विदेश मंत्री जयशंकर संसद में बयान दे रहे थे, बयान के बीच में उन्होंने 2 पंक्तियां चुपचाप उन्होंने उसके अंदर स्मगल कर दी। वो पंक्ति ये है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर हमला हो रहा है। कितने हमले हुए, कितने लोग हताहत हुए, ये अभी उन्हें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने 2 लाइनें उसके अंदर डाल दी, और भारत उसके लिए बहुत चिंतित है, भारत माइनॉरिटीज की सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। वो बाकायदा उन्हें पूरा मौका, ये बात सही है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। तस्लीमा नसरीन का मशहूर उपन्यास लज्जा आपको याद होगा, वो इसी बात के ऊपर है। इसके लिए बांग्लादेश से उनको कट्टरपंथियों द्वारा निष्कासित किया गया। स्थिति यह है कि सरकार इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, उसको हिंदू बनाम मुसलमान का रंग देखे कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर मुस्लिम कट्टरपंथी अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसको लोकतंत्र से जरा भी प्यार है, वो शेख हसीना का लोकतंत्र का मॉडल जो है उसको लोकतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश के तमाम बुद्धिजीवी जो भारत विरोधी नहीं है और भारत को बड़े हमदर्दी की निगाह से देखते हैं, उन सबको इस बात का बहुत दुख है कि भारत सरकार ने शेख हसीना द्वारा लगातार किए जा रहे लोकतंत्र के हनन को लोकतंत्र क्यों करार दिया। जिस वक्त वहां जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, भारत सरकार ने कहा यह वहां का अंदरूनी मामला है। तो मोहम्मद यूनिस जैसे लोगों ने, जो लगातार भारत सरकार के और यहाँ के अर्थशास्त्रियों के भी संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उन्हें माइक्रो क्रेडिट का बहुत बड़ा इनोवेटर माना जाता है, बहुत बड़ा चैंपियन माना जाता है, जो बांग्लादेश में उन्होंने करके दिखाया,
एक नमूने के तौर पर लोग उनसे बातचीत करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, नोबेल प्राइज उन्हें इसीलिए प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि भारत जैसे देश ने जहाँ पे नियमित रूप से चुनाव होते हैं और आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माना जाता है, वो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका समर्थन करता रहा। तो ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को इतना ज्यादा समर्थन क्यों दिया, और पूरे भारत के मीडिया ने हसीना सरकार की जो ज्यादतियां थी, जो लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां थी, जो निरंकुशता थी, जो तानाशाही थी और हिंसक किस्म की तानाशाही थी, उस हिंसक किस्म की तानाशाही के सही तथ्यों को अपने श्रोताओं और पाठकों के सामने क्यों नहीं रखा। आज संजय राउत का एक बयान बहुत चर्चा में है, उन्होंने कहा है कि भारत में भी हालात कुछ कुछ इस तरह के, उनका भाव ये था कि यहाँ भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ भी आंदोलन करने वाले लोगों को इस तरह के कमेंट कर दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बाढ़ आई है कि अब दुनिया भर के शासकों को समझ लेना चाहिए कि आंदोलन करने वाले परजीवी नहीं होते, आंदोलन करने वाले आतंकवादी नहीं होते, कम से कम दुनिया के शासकों को ये समझ लेना चाहिए, बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए कि जैसा आपने कहा कि बहुत बढ़ती हुई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी हकीकत नहीं होती, हकीकत ये होती है कि बेरोजगारों की फौज ना बढ़े देश में, किसानों का उत्पीड़न ना हो देश में, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना ना आई। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में कभी ऐसा हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि भारत एक इतना महान देश है, यहाँ पे कभी सेना इस तरह नहीं कर सकती, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो हालात है ये हालात किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। बांग्लादेश से क्या सबक ले पाएगी हमारी सरकार, अभय जी लगता है आपको? हमारी सरकार को अपने सारे रिजर्वेशंस को, अपने सारे जो कुछ भी मन में उनके आग्रह दुराग्रह हो उनको ताक पर रखकर बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। पहली बार उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भले ही आपकी अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह उसका मेल्टडाउन ना हो, भले ही आपकी अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगार हैं वो बांग्लादेश की तरह आचरण ना करें, मैं मानता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुकेंद्रीय है, बहुमुखी है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी बांग्लादेश और श्रीलंका से कोई मुकाबला नहीं किया सकता। भारत की चुनाव प्रणाली भी बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी है। मैं मानता हूं कि जो ADR ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो आंकड़े दिए हैं कि भाई जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जो वोट गिने गए तो वो जो चुनाव आयोग ने जितने वोट पड़े थे बताया था उससे कम निकले या ज्यादा निकले, मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे करके इस समस्या का भी निराकरण होगा। मैं नहीं मानता हूं जनता के बीच में इस तरह की छवि जाएगी कि सारे चुनाव गलत थे, उसका भी निराकरण होगा। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि भारत में विपक्ष का इतना दमन किया जा सकता है जितना दमन शेख हसीना ने बांग्लादेश में किया था, और भारत में जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट भी था वो 2024 के चुनाव में हम देख सकते हैं कुछ डेमोक्रेटिक डेफिसिट में भी संशोधन हुआ है। विपक्ष इस वक्त संसद में आज तक इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति में है। अगर भारत में लोकतंत्र कमजोर होता तो ये ऐसा हो नहीं सकता था। मोदी जी जो चाहते थे कि विपक्ष मुक्त भारत बन जाए और विपक्ष को सारा भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचारी क्या वो कटघरे में खड़ा कर दें और खुद सत्तारूढ़ हो जाए और 400 सीटें प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब है भारत में लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बांग्लादेश या श्रीलंका या किसी भी देश के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है, और इसके लिए हम लोगों को अपने उन फाउंडिंग फादर्स का जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की थी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक इस तरह का ढांचा हमें दिया कि आज तमाम कोशिशों तमाम कमियों खामियों के बावजूद तमाम आलोचनाओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है। लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ, अगर ADR ने जो आंकड़े दिए हैं वोटों की गिनती के उसकी सही सही सफाई नहीं आई, अगर ऐसा पक्का बंदोबस्त नहीं हुआ कि अगली बार गिनती होगी तो इस तरह की गलती नहीं होगी, ये सब नहीं हुआ, अगर लोगों को रोजगार देने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, सिक्का बंद सुनिश्चित इंतजाम नहीं किए गए, तो धीरे धीरे समस्या यहां भी संगीन होती जाएगी। एक साल में नहीं, दो साल में नहीं, पांच साल में नहीं, लेकिन 10 साल में कभी भी हो सकता है। बांग्लादेश में आज जो हुआ है अगर 10 साल बाद भारत में होता है तो वो कितना दुखद होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी आप विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पढ़िए, वो रिपोर्ट भी आज या कल ही वो सामने आई है, वो मिडिल इनकम ट्रैप के ऊपर रिपोर्ट है कि किस तरह जो कई देश जो हैं वो एक मझोली इनकम के जाल वहीं फंस के रह जाते हैं, मझोली इनकम से आगे नहीं बढ़ पाते, मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं उसको। उसने साफ कहा है कि अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है, भारत अगर जिस गति से प्रगति कर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है,
आगे 70 वर्ष लगेंगे अमेरिका की प्रतिव्यक्ति आमदनी का 1/4 हासिल करने में। अब आप सोचिए, मोदी जी जो दावे करते हैं रोज, विश्व बैंक की रिपोर्ट से मुकाबला करके देखिए उन दावों का, यानी अमेरिका की जो प्रतिव्यक्ति आमदनी है, भारत में प्रतिव्यक्ति आमदनी उसका 1/4, उसके 1/4 स्तर पर, 1/4 स्तर पर पहुंचने में भारत को अभी 70 साल लगेंगे। चीन उस जगह अगले 10 साल में पहुंच जाएगा, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ। यानी चीन भारत से 70 गुनी धीमी रफ्तार से भारत प्रगति कर रहा है चीन से। तो जब अर्थव्यवस्था की आपकी असली हालत यह है, अब विश्व बैंक अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ में अगर कोई बात कहता है तो फौरन यहाँ पे मंचों पे उसका गाना शुरू हो जाता है कि विश्व बैंक ने ही कहा, लेकिन इस रिपोर्ट को लगातार दबाया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, इस रिपोर्ट की कहीं चर्चा नहीं होगी, उसके बारे में लोग चुप्पी साधे रहेंगे, सरकारी अर्थशास्त्री इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये स्थितियां हैं। अगर भारत ने इस बात को बांग्लादेश की घटना से, श्रीलंका की घटना से भी सबक लेना चाहिए था, बांग्लादेश की और श्रीलंका की घटनाओं से सबक नहीं लिया, क्रोनी कैपिटलिज्म के चक्कर में वहां की घटिया और जलील किस्म की गैर लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन करने के अपने रवैये को नहीं छोड़ा, तो एक ना एक दिन भारत को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जी भारत अभी बड़ा कंफ्यूज है, शेख हसीना को परमानेंट शरण दी जाए नहीं दी जाए, इसको लेकर कोई खास फैसला आ नहीं रहा, ये लाइन कह दिया शेख हसीना पे हमने छोड़ दिया। भारत कंफ्यूज है कि उसको बांग्लादेश से रिश्ते कैसे रखने पड़ेंगे, शेख हसीना का रोकना, उनको शरण देना उससे बाधा आ सकती है। शेख हसीना ना, तो मुझे लगता मेरी जानकारी है, भारत से शरण मांगी भी नहीं है वो, केवल भारत उनके लिए एक ट्रांजिट पॉइंट है, और कहा जा रहा है कि उनकी वहां से जो हेलीकॉप्टर में जो फ्लाइट हुई और फिर भारतीय एयरफोर्स वो जिस तरह हिंडन के एयरबेस तक पहुंची, वो उसमें भी भारतीय खुफिया एजेंसियों की एक भूमिका थी, जिसके ऊपर भी तमाम लेख वगैरह और जानकारियां सामने आ गई, उन्होंने सब पूरा बंदोबस्त किया। वहां पर जो फौज के वकारुल जमा जो जनरल जो फौज के थलसेना अध्यक्ष हैं, वो शेख हसीना की भतीजे के भतीजी के पति हैं, यानी शेख हसीना के परिवार के सदस्य हैं। वही दिन के 12:30 बजे वहां पर गए उनके घर में, उन्होंने कहा देखिए हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए और देश छोड़ के चले जाइए, वरना आपकी सुरक्षा की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। शेख हसीना ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन मैं देश के नाम एक संदेश देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा संदेश मत दीजिए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। तो बिना संदेश दिए ही एयरफोर्स के विमान से ही वो, अगर फौज उनके खिलाफ होती तो फिर एयरफोर्स का विमान उनको मुहैया नहीं कराया जाता। जाहिर है कि फौज भी उनके साथ थी, फौज भी उनको बचाने में नाकाम रही। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत होगी, जिस नेता के पक्ष में फौज खड़ी हुई हो उस वो भी उसको खुद ही कहा कि आप छोड़ के चले जाइए। इसमें अमेरिका की भी भूमिका है, मैं ये मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका भी दोहरी चाल खेलता है। अमेरिका पाकिस्तान में हो रहे चुनाव को तो कहता है कि ठीक हो रहे हैं चुनाव, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे चुनाव भी, चुनाव में भी घपला है, और बांग्लादेश में हो रहे चुनाव में भी घपला है। बांग्लादेश के चुनाव के बारे में कहता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव के बारे में कहता है कि ये ठीक चुनाव है। तो अमेरिकी अपने दांव पेच भी है, अमेरिका का दक्षिण एशिया में दिलचस्पी अमेरिका की है, वो भी बड़ी पेचीदा किस्म की दिलचस्पी है। और भारतीय विदेश नीति है इस वक्त बहुत सांसत में फंसी हुई है। आप देखिए श्रीलंका चीन के असर में है, बांग्लादेश की नई जो सरकार बनी है, जो अंतरिम सरकार बनी है, वो पूरी तरीके से चीन के असर में है, नेपाल चीन के असर में है, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा कहते थे पहले, वो चीन के असर में है, और चीन के साथ भारत के बहुत ही बुरे संबंध हैं। यहां तक कि चीन ने भारत की बाकायदा भारत की राजनीति में, चीन ने जिस तरीके से डोकलाम में और लद्दाख में जो कर किया है, वो तो राहुल गांधी खुद भी उसको कितने बार उठा चुके हैं। तो परिस्थितियां बहुत विदेश नीति के बिल्कुल विपरीत हैं, जिस तरीके से विदेश नीति इन लोगों ने चलाई है। अगर आप दक्षिण एशिया में भी अपनी विदेश नीति को कामयाब नहीं कर सकते, तो और दुनिया भर में ग्लोबल स्तर पर अपनी विदेश नीति कहां कामयाब करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनके सामने चुनौती है। और बांग्लादेश में जो घटित हुआ है उससे भारत के जो रोजगार जो बेरोजगार और असंतुष्ट लोग हैं, असंतुष्ट नौजवान हैं, उनके सामने एक नमूना सामने होता है, भाई ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा करेंगे, इसके खतरे मौजूद हैं। हमारा क्या गलती कहां हो गई, नई बांग्लादेश की सरकार बनी है पूरी तरीके से भारत विरोधी होने वाली है।
और कोई मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हिंदुओं के ऊपर वहां हमले शुरू हो जाएं और हिंदुओं को तंग करना हो रहे हैं। कई जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं कि मंदिरों पे हमले हुए हैं, हिंदुओं पे हमले हुए हैं। नहीं, उन तस्वीरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीरें भारत में जो हिंदुत्व के ट्रोल्स हैं, जो एजेंट प्रोवोकेटर है, भड़काऊ एजेंट है, वो भी उन तस्वीरों का भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भारत से चूक कहा कि जो एक के बाद एक जितने पड़ोसी देश हैं हमारे, उन सबसे हमारे रिश्ते खराब हो गए, हम कोई भी रिश्ते बेहतर नहीं कर पाए। और कहा जाता है कि ईश्वर से पहले अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और भारत जो है वो आपकी छवि ये हो जाती है कि आप बिग ब्रदर हैं। जब आपकी आप छवि हो जाती है कि आप बिग ब्रदर हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप दंडित भी कर सकते हैं। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को चपत आ सकता है। जब आपकी ये आपकी छवि बन जाती है, और जब आप ऊंची जगह से खड़े होकर आशीर्वाद देने की मुद्रा में बने रहते हैं हमेशा, तब फिर ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। या तो आप वास्तव में शक्तिशाली हो चीन और अमेरिका की तरह, लेकिन आपके शक्तिशाली होने का आपका केवल दिखावा है। भारत का साइज बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, अर्थव्यवस्था का साइज भी बहुत बड़ा है, और टिकाऊ है, टिकाऊ बने राजनीतिक स्थिरता है मुद्दतों से, ये सब बातें ठीक है, लेकिन बड़े साइज को बड़ी ताकत मान लेना अनुचित है। आपका आकार बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसका ख्याल इन लोगों को करना चाहिए। भारत को बहुत अपने रवैये में काफी संशोधन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो इतने विनम्र हैं, वो पाकिस्तान तक चले गए थे, हवाई जहाज उतार दिया था नवाज शरीफ जी को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, और उससे ज्यादा विनम्रता और क्या हो सकती है। नवाज शरीफ जी की मम्मी के लिए, अम्मी के लिए वो कपड़े अपने शॉल वॉल ले गए थे। अब आप कह रहे हो वो विनम्र नहीं है, बड़े भाई है, डांटने वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान एक तो वो नरेंद्र मोदी के शासन काल का शुरुआती दौर था। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा इस तरह से सोचते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के छूटे हुए काम को उन्हें पूरा करना है, उस असाधारण किस्म की वो पहलकदमी लेंगे, पाकिस्तान से संबंध अच्छे हो जाएंगे, चीन के साथ, चीन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ उन्होंने तो झूला झूला था नदी के किनारे, हम लोग जानते हैं। इस तरह से उन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त फोटो अपॉर्चुनिटीज, जिसको कहते हैं ना, बहुत प्रधानमंत्री कैमरा प्रिय और फोटो प्रिय हैं, तो विदेश नीति को भी उन्होंने उसी के जरिए चलाना चाहा। लेकिन विदेश नीति का जो यथार्थ होता है वो बहुत कड़वा होता है, बहुत तल्ख होता है। वो बार बार विदेशी नेताओं के साथ गले मिलने से वो समस्या हल नहीं होती, उनके साथ झूला झूलने से भी समस्या हल नहीं होती, उनके साथ बिरयानी खाने से भी वो समस्या हल नहीं होती। विदेश नीति में तो बहुत ही कड़ा सौदा होता है ना, तो उस मामले में विदेश नीति इनकी कामयाब नहीं हुई साबित हुई। बिल्कुल बात सही है, बहुत नाजुक हालात हैं पड़ोसियों के साथ, निगाह बनाए रखेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, बता रहे थे कि किस तरह हालात खराब हो गए हम बांग्लादेश के, और हमारे देश पे इसका क्या क्या असर पड़ेगा। मुझको यकीन है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपनी बातचीत कैसी लगी आपको, ये बातचीत से बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिएगा।